हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका टैक्सेशन में जो सैलरी चैप्टर है उस सैलरी चैप्टर का लेक्चर ले रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एक ग्रेचुटी समझी कि ग्रेचुटी कहते किसको हैं, होती क्या है, कैसे मिलती है और कितना टैक्सेबल होता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ, साथ में आपको नोट डाउन भी करने हैं। आप चिंता मत कीजिए, अभी के लिए पहले समझ लीजिए, लास्ट में मैं आपको सारे पेजेस दूंगा, सारे पेजेस एक एक करके लिखने के लिए दूंगा, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए। ये रूल्स हैं सैलरी चैप्टर के। मैंने पहले भी बताया है कि पूरा टैक्सेशन एक तरफ और सैलरी चैप्टर एक तरफ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। रूल्स वैसे तो हर स्टूडेंट को याद हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम देखने में ऐसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये आपको याद करने हैं और हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं आपको करवाऊंगा ये ऐसे कि आपको याद हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को रहने के लिए घर प्रोवाइड करती हैं, हाउस प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनीज हाउस प्रोवाइड नहीं करती, बट उसके बदले हाउस रेंट अलाउंस सैलरी में ऐड करके देती हैं। सो उसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब अगर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो कुछ एम्प्लॉई रियल में किराए के घर पे रहते हैं, रेंट पे करते हैं, और कुछ एम्प्लॉइज़ को अपना घर होता है तो उन्हें रेंट नहीं पे करना पड़ता, लेकिन फिर भी उन्हें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। हो सकता है वो घर पेरेंट्स का हो, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स क्या हैं? एक्चुअल रिसीव्ड और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% और 50% ऑफ सैलरी। नाउ 50% फॉर मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज़ कौन कौन से हैं? सो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कैलकाटा कहते थे पहले, अब तो कोलकाता कहते हैं, कोलकाता एंड मद्रास। मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं। सो ये चार मेट्रो सिटीज़ हैं। अगर ये चार सिटीज़ हैं तो 50%, अगर ये चार सिटीज़ के अदर देन कोई सिटी है जैसे अहमदाबाद है तो 40% लेंगे। विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, प्लेस ऑफ रेसिडेंट विल बी कंसीडर्ड, डू नॉट कंसीडर द प्लेस ऑफ जॉब। अब यहाँ पर सपोज करो कोई मुंबई में रहता है और काम मुंबई के पास में, जैसे कल्याण है, कल्याण में काम करता है। सो सिटी अगर अलग है तो यहाँ पर जो रेसिडेंट सिटी है वो देखा जाएगा। ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक अहमदाबाद का एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग अहमदाबाद में रहते हैं, गांधीनगर में जॉब करते हैं, और कुछ गांधीनगर में रहते हैं, अहमदाबाद में जॉब करते हैं। तो यहाँ पर वो जहाँ जॉब कर रहा है वो नहीं देखा जाएगा, वो जहाँ एम्प्लॉई रहता है वो देखा जाएगा, क्योंकि है क्या ये हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में जहाँ रहता है वहाँ का अलाउंस देखा जाएगा। एंड देन इसमें फ्यू नोट्स हैं। हेयर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, इट मे इंक्लूड डियरनेस अलाउंस। जब भी मैं शॉर्ट में DA लिखूँ मीन्स डियरनेस अलाउंस। इफ टर्म्स प्रोवाइडेड एंड ऑल्सो इंक्लूड कमीशन ऑन सेल्स इफ इट इज गिवन एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स। अभी हमने हाउस रेंट अलाउंस के रूल समझे, अब हाउस रेंट अलाउंस के जब सम्स आएंगे तब मैं यहाँ से आपको रूल्स दिखाऊंगा और सम्स करवाता जाऊंगा। अभी के लिए आप पहले ये रूल्स नोट डाउन कर लो एंड देन रूल्स लर्न भी कर लो, ठीक है। सो ये हैं हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स। नाउ आगे हम देखते हैं मोटर कार।
अब ऐसा होता है कि कुछ कंपनी जो उनके मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें कार प्रोवाइड करते हैं। अब जब कार प्रोवाइड होती है तो वो भी एम्प्लॉई के लिए एक बेनिफिट है। कंपनी कुछ भी दे, एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट है। सो जब कार प्रोवाइड की जाती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए, इफ कार इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, यानी जो कार है वो कंपनी की है। और दूसरा पॉइंट है बी, इफ कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, यानी इसमें क्या है कि कार कंपनी की है या कार एम्प्लॉई की है। अब पहले समझ लेते हैं इफ कार इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब अगर कंपनी कार प्रोवाइड कर रही है तो रूल्स में है कौन से, थ्री रूल्स हैं। रूल नंबर वन, इफ इट इज मीन्स कार, इफ कार इज यूज ओनली फॉर पर्सनल पर्पज देन ऑल मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी आर फुली टैक्सेबल प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार और हायर चार्जेस। हायर चार्जेस यानी इफ रेंटेड, अगर कार भाड़े की हो तो हायर चार्जेस होते हैं उसके। अगर उस कार का यूज एम्प्लॉय फुल्ली पर्सनल पर्पस कर रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पस इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, अगर कार ऑफिस के लिए यूज की जा रही है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड। यानी यहां पर पॉइंट को समझो कि एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड की है, एम्प्लॉय अपना पर्सनल पर्पस यूज कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, ऑफिस पर्पस यूज कर रहा है तो फुल्ली एग्जम्प्ट। अब ये तो ठीक है, प्रॉब्लम आती है इफ इट इज यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस, पर्सनल एंड ऑफिस। नाउ एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड की है बट इट इज यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस, दोनों के लिए यूज की जा रही है। यानी एम्प्लॉय अपना पर्सनल कार में करता है उस कार में से, और ऑफिस के लिए भी वो कार यूज कर रहा है। अब जब ऐसा होता है तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। नाउ फर्स्ट इज इंजन कैपेसिटी। आपको ऐसे ही एक टेबल बनाना है और इस टेबुलर फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है, याद करना इजी हो जाएगा आपका। इंजन कैपेसिटी, नाउ मैं थोड़ा सा इसे ऐसे रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अब कार में ना एक इंजन कैपेसिटी आती है, टू व्हीलर्स में भी आती है, 100cc, 80cc, 120cc, 150cc, जो बड़ी बाइक्स होती हैं उनका 150cc होता है। सो कार में ना सीसी आता है अप टू 1.6 लीटर और 1600cc कहते हैं उसे। अब अगर कोई छोटी सी कार है 1600cc तक, अब इसमें दो ऑप्शन, इफ मेंटेनेंस इज पेड बाय एम्प्लॉयर, मीन्स एम्प्लॉयर ने कार तो दिया ही है साथ में मेंटेनेंस भी पे कर रहा है उस कार का, तो वो कार, अब देखो कार भी दी है, कार का मेंटेनेंस भी पे कर रहा है। मेंटेनेंस मीन्स कार को सर्विस करवाना, कार का ऑयल, कार का पेट्रोल, डीजल सब वो दे रहा है। अब बॉस ने गाड़ी दी है, गाड़ी के साथ मेंटेनेंस भी दे रहा है, पेट्रोल डीजल के पैसे भी दे रहा है, और वो गाड़ी एम्प्लॉय दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। सो दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो 1800 पर मंथ। एंड नाउ इफ मेंटेनेंस इज पेड बाय द एम्प्लॉय, अब यहाँ पर बॉस ने गाड़ी दी है लेकिन मेंटेनेंस एम्प्लॉय अपने पॉकेट से पे कर रहा है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो कंडीशन फिर से समझो, अगर पूरी गाड़ी पर्सनल यूज़ कर रहा है तो फुली टैक्सेबल, गाड़ी ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है तो फुली एग्जम्प्ट, अगर वही कार दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो फिर उसमें दो ऑप्शंस, कार का मेंटेनेंस कौन दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो 1800, एम्प्लॉई दे रहा है तो 600 पर मंथ। अब ये तो था 1.6 लीटर्स या 1600cc तक की गाड़ी हो छोटी। लेकिन कई बार एम्प्लॉयर कोई बड़ी गाड़ी देते हैं जिसका साइज़ होता है मोर देन 1600cc,
अगर कोई बड़ी गाड़ी दी है तो वहाँ पर भी दो ऑप्शन, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉई पे कर रहा है। एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो 2400 पर मंथ एंड 900 पर मंथ, ये टैक्सेबल अमाउंट्स हैं। सो देखिए टैक्सेशन हमारा कितना डीप में है कि बॉस ने गाड़ी दी, मोटर कार दी, पर्सनल पर्पस फुली टैक्सेबल, ऑफिस पर्पस फुली एग्जम्प्ट, बोथ द पर्पस, तो ये बीच का रास्ता निकाला है। नाउ अब इतना तो ठीक, अब आगे है, हियर मंथ मीन्स अ कंप्लीट मंथ इज कंसीडर्ड, पार्ट ऑफ द मंथ इज इग्नोर्ड। आपको पूरा महीना लेना है, समझो एम्प्लॉय ने 8 महीने और 20 दिन गाड़ी यूज़ की है, तो 20 दिन को इग्नोर करके सिर्फ 8 मंथ्स का ही टैक्सेबल गिनेंगे। नाउ ₹900 पर मंथ विल बी एडेड इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब यहाँ पर कंपनी कार भी प्रोवाइड कर रही है, कार के साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे में अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर 900 ड्राइवर के और ऐड हो जाएंगे, 900 ऐड हो जाएंगे मीन्स इन चारों में 900 प्लस कर देने, 1800 प्लस 900, 24 प्लस 9, 6 प्लस 9, 9 प्लस 9। अब ये कैसे होगा ये सम्स में आपको करवाऊंगा, आज सिर्फ मैं आपको रूल्स लिखवाने आया हूँ। सो स्टूडेंट्स अब ये नोट डाउन कर लीजिए पहले रूल्स। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ये भी आप लिख पाओ अच्छे से। एंड देन ये भी आप लिख लीजिए। नाउ हम बी पॉइंट देखेंगे। अब आगे था कि कार एम्प्लॉयर ने दी थी, बॉस ने दी थी। नाउ इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, अब कार एम्प्लॉय की है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉय की है लेकिन मेंटेनेंस कंपनी दे रही है। सो फर्स्ट पॉइंट, इफ इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल पर्पस, टोटल एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी इज टैक्सेबल, अगर पर्सनल पर्पस है तो फुल्ली टैक्सेबल, ऑफिस पर्पस है तो फुल्ली एग्जम्प्ट, अगर ऑफिस पर्पस यूज किया है तो फुल्ली एग्जम्प्ट। नोट डाउन करते जाइए ये भी पेज। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ इट इज यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस, प्रॉब्लम कहाँ है, यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस देन, अब यहां पर ध्यान रखिएगा गाड़ी एम्प्लॉय की है लेकिन बोथ द पर्पस यूज हो रही है, पर्सनल भी ऑफिस के लिए भी। सो एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी माइनस लेस करेंगे 1800 पर मंथ अगर 1600 सीसी तक है तो, और 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ, 900 ड्राइवर के अलग से ऐड करेंगे, फाइनल अमाउंट टैक्सेबल होगा इफ इट इज़ पॉजिटिव अमाउंट। अब ये कैसे होगा ये भी हम सम्स में समझेंगे, अभी के लिए आप रूल्स लिखते जाइए और रूल्स लर्न करने हैं आपको। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस क्या होगा, मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल बट मेडिकल एक्सपेंस इज एग्जम्प्टेड अप टू 15,000 पर एनम। अब एम्प्लॉय बीमार हो रहा है या नहीं हो रहा है बट हर महीने उसकी सैलरी में एक मेडिकल अलाउंस ऐड होकर आता है। अब मेडिकल अलाउंस ऐड होकर आता है मीन्स वो भी इनकम हो गई एम्प्लॉय की, तो उसके ये रूल्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज एजुकेशन अलाउंस। अब यहाँ पर एम्प्लॉय के बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी बॉस दे रहा है, मीन्स उनकी पढ़ाई का खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक अच्छी पोजीशन पर काम करने से। सो एजुकेशन अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड माइनस करेंगे ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, ₹100 एक महीने के पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल।
सो ये हैं एजुकेशन अलाउंस के रूल्स, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज हॉस्टल अलाउंस। नाउ हॉस्टल अलाउंस क्या होता है कि एम्प्लॉय के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रह रहे हैं और उनके हॉस्टल के पढ़ाई के खर्चे तो ठीक है, उनके हॉस्टल के खर्चे भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये है हॉस्टल अलाउंस। एक्चुअल रिसीव्ड -300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। नाउ हॉस्टल अलाउंस तो दिया, अब दे रहा है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। जो एम्प्लॉई काम कर रहा है उसके घर का काम करने के लिए उसे नौकर दिए गए। अब आप बोलोगे ऐसा कब होता है, तो जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं MD, CEO, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स, उन्हें ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। सो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल। जैसे स्वीपर दिया, गार्डनर दिया, वॉचमैन दिया है, कुक दिया, प्यून दिया, एक्सेट्रा। कुक घर में खाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए उससे अलग से एम्प्लॉय प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज फुली एग्जम्प्ट। रिफ्रेशमेंट मीन्स टी, कॉफी, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक अगर दिया है ऑफिस आवर्स में तो वो फुली एग्जम्प्ट है। नाउ लंच प्रोवाइडेड। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें कंपनी के अंदर ही कैंटीन होती है और उस कैंटीन में, उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अपना फ्री लंच या फ्री डिनर या फ्री ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी में कैंटीन है और वहाँ पर भी फ्री लंच प्रोवाइडेड है, या हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा लेकर लंच प्रोवाइड करें। से एग्जाम्पल 10 रुपीज़ थाली के ले लिए और एक फुल थाली दे दी उन्हें। सो लंच प्रोवाइडेड बाय कंपनी इज एग्जम्प्टेड अप टू 50 रुपीज़ पर डिश या पर लंच। 50 रुपीज़ तक अगर कंपनी लंच प्रोवाइड कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लब फीस। क्लब फीस पेड बाय द कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल। अब एम्प्लॉय किसी क्लब में जाता है, अब क्लब का मतलब गलत मत समझना, क्लब का मतलब होता है कि जैसे जिम हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, कहीं पर इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं तो उसे भी क्लब कहते हैं। जैसे अहमदाबाद में राजपथ क्लब। राजपथ क्लब क्या है, अगर आपके पास वहाँ का मेंबरशिप है तो आप वहाँ जाकर स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हो, इंडोर आउटडोर गेम्स हैं, उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ करोगे। अब एम्प्लॉय क्लब में जा रहा है बट उस क्लब का पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये हैं उसके रूल्स, पेज नंबर 156। अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिख दो, पेज नंबर 156, बाकी हम आगे सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड भी दे रखा है। इफ यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, पेज नंबर 156 पर है, और अगर ऑफिस पर्पस होगा तो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट इज ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल एरिया अलाउंस। अब ट्राइबल एरिया किसे कहते हैं, ट्राइबल एरिया बैकवर्ड एरिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां आदिवासी रहते हैं तो उसे ट्राइबल एरिया कहते हैं। अब अगर एम्प्लॉई को किसी ऐसी एरिया में काम करने के लिए भेजा तो उसका एक अलग से अलाउंस मिलता है जिसे कहते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस। इट इज़ एग्जम्प्टेड अप टू 200 रुपीज़ पर मंथ। अगर एम्प्लॉय को वो 200 पर मंथ मिल रहा है तो एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा मिला तो टैक्सेबल। अब नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
अब एम्प्लॉय घर से लेकर ऑफिस आएगा और ऑफिस से लेकर घर जाएगा, घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर, तो उसे आने जाने के लिए या तो बस चाहिए या ऑटो में जाएगा, टैक्सी लेगा या हो सकता है पर्सनल व्हीकल ले ले। सो वहाँ पर अगर उस ट्रांसपोर्ट का पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, बॉस दे रहा है, एम्प्लॉयर का मीनिंग होता है बॉस और एम्प्लॉई का मीनिंग होता है जो काम करने वाला है। इट इज़ एग्जेम्प्टेड अप टू 1600 पर मंथ, अ हायर एग्जम्पशन ऑफ 3200 पर मंथ इज अलाउड टू फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन। सो ये रूल्स हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, रूल्स में क्या होता है हर साल चेंजेस होते रहते हैं। नाउ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, अगर लोन दिया है तो उसके रूल्स पेज नंबर 156 पर हैं। हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई लोन दिया हो तो उसके रूल्स हैं। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मूवेबल है, अगर वो यूज करने के लिए दिए हैं तो उसके रूल्स पेज नंबर 156 पर हैं। आप एज इट इज लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, कंपनी का पुराना लैपटॉप एम्प्लॉय को दे दिया, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। कंपनी का पुराना फोन अपने एम्प्लॉय को दे दिया तो उसके रूल्स क्या हैं, वो है यहाँ पर। नेक्स्ट इज गिफ्ट इन कैश और वाउचर एक्सीडिंग रुपीज 5000 इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दिया है, कोई दिवाली पर बोनस दिया है, कोई वाउचर दिया है, तो 5000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे समझो कोई अहमदाबाद में काम कर रहा है और उसे मुंबई भेज दिया गया, पुणे भेज दिया गया, बेंगलोर, तो ये एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। सो वहाँ भेजने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, दैट इज़ सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। उस सिटी के एक्सपेंसेस को कंपेंसेट कर पाए इसलिए ये अलाउंस दिया जाता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, एंड दैट इज़ फुली टैक्सेबल। नाउ प्रोजेक्ट अलाउंस इज़ फुली टैक्सेबल, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसके लिए कोई अलाउंस दिया जा रहा है तो वो फुली टैक्सेबल है। कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर इंजरी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज फुली एग्जम्प्ट। समझो एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑफिस में और उसे कुछ लग गया, इंजरी हो गई, और उस इंजरी के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए बॉस ने कुछ कंपेंसेशन दिया है तो वो फुली एग्जम्प्ट है। तो ये सारे रूल्स हैं, जब हम सैलरी का फुल सम करेंगे, फुल सम, उसमें ऐसा नहीं होगा एक ही सम में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ही सम में सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, बट कुछ पॉइंट्स तो आएंगे। सो नोट डाउन करते जाइए स्टूडेंट्स। बस ऑलमोस्ट पूरा होने को आया है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो उसमें दो ऑप्शन है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम 5000 और एक्चुअल रिसीव और 1/5 ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो ये सब फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इनकम टैक्स, LIC, PPF, प्रोफेशनल टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय द कंपनी फॉर एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल। अब कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का इनकम टैक्स पे कर रहा है या उसकी LIC की पॉलिसी पे कर रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट इज जनरल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑन पेज नंबर 166।
अब यहाँ पर है कि कंपनी ने हाउस दिया है रहने के लिए, रहने के लिए घर दे दिया है, तो वो भी तो एम्प्लॉय के लिए एक इनकम ही है, बेनिफिट है। इनकम ना समझो, समझो बेनिफिट मिल रहा है, एक एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है सैलरी के साथ। सो अगर हाउस मिल रहा है तो उस हाउस की टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये उसके रूल्स हैं, अभी के लिए नोट डाउन कर लो, जब सम करवाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। एज इट इज़ आप कॉपी कर लो। Now, at last but not least, specific deductions. हर employee को अपनी salary में से ये deductions मिलते हैं, depend on criteria. जैसे first है standard deductions, तो वो तो सभी employees के लिए होता है, 50,000 तक salary exempt है. Second, entertainment allowance. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्प्ट होगा, प्राइवेट के लिए नहीं। प्रोफेशनल टैक्स, ये नॉर्मली 200 पर मंथ होता है, बट जितना भी हो उतना एग्जम्प्ट होगा, सैलरी में से ये अमाउंट डिडक्ट होंगे, बाकी की सैलरी टैक्सेबल होगी। फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंस डन बाय द एम्प्लॉय। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड एकेडमिक अलाउंस। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, समझो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी काम से बाहर भेजा, दिल्ली भेजा, मुंबई भेजा, किसी और अदर सिटी में भेजा, और उसे ट्रैवलिंग के लिए 10,000 रुपीज़ दिए गए, बट उसका एक्सपेंस ही 5,000 हुआ। सो 10 में से 5 एक्सपेंस हुआ, तो जो बाकी बचा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 10 में से 8,000 एक्सपेंस हुआ तो 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंसेस माइनस करके जो सेविंग हुआ वो इनकम में काउंट होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, जैसे पुलिस, आर्मी, पायलट, एयर हॉस्टेस, इन सबको यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म के लिए समझो उन्हें हर महीने 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन उनका पर मंथ एक्सपेंस है 6,000, तो बाकी के 4,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। जितना एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस को छोड़कर बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और ये है कुछ पेंशन के अलाउंस, पेंशन के रूल्स, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जब सम्स करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर रहा, काफ़ी रूल्स हैं आपको लिखने के लिए, या आप लिखोगे, नेक्स्ट लेक्चर से मैं सम्स करवाऊँगा, उसमें हमें इन रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत करना, आराम से ये रूल्स याद हो जाएंगे, मैं आपको करवाऊँगा ये रूल्स याद, ठीक है। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।